फिजिबिलिटी हमने प्लान किया है कि दुरंतो की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, फिजिबिलिटी देख रहे हैं, तो हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा भी है बोर्ड में। तो टाइम टेबल 1 अक्टूबर से ज़्यादातर आते हैं, तो उसमें आने की उम्मीद है। डबलिंग हमारे कुछ डबलिंग के अप्रूवल सर्वेक्षण के लिए हुए हैं, तो डबलिंग जब उसमें आएंगी इधर से, इसका सादुलपुर वाली डबलिंग है, इसके उम्मीद है। एस्केलेटर शुरू में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसको मॉनिटर और DRM साहब क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसमें कितना परसेंटेज सर, अगर 24 घंटे से ज़्यादा होता है तो एक्सेप्शन रिपोर्ट मेरे पास, मैं डेली देखता हूँ, और बीच बीच में कभी ऐसा हो गया होगा कि उसमें ऐसा होता है ना, लोगों को भी अभी होने होता है, बटन दबा देते हैं। ऐसे अभी एक मेरे को प्लेटफॉर्म का लगा, इस साइड का प्लेटफॉर्म हम बढ़ाएंगे, इस साइड का ये 14 कोच का है, तो गाड़ियाँ जो एक डायरेक्शन वाइज करके इधर इसको प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी, इधर वाला जो एंड वाला। जैसे ही अधिकारियों को पता चला कि रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करने उत्तर पश्चिम रेलवे हिसार बीकानेर मंडल के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश हिसार रेलवे स्टेशन का दौरा करने आ रहे हैं, वैसे ही हिसार रेलवे स्टेशन में साफ सफाई, रंगाई और पुताई का आलम दिखाई दिया। खुद महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने आते ही हिसार रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। उन्होंने हिसार रेलवे स्टेशन के पास के परिसर में उद्यान का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने हिसार रेलवे स्टेशन के रसोई घर की साफ सफाई का भी बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ DGM संजय कुमार श्रीवास्तव, CFTM तरुण जैन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान आनंद प्रकाश ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वार्षिक निरीक्षण करने हेतु हमने हिसार रेलवे स्टेशन का दौरा किया और पाया कि व्यवस्था ठीक है। महाप्रबंधक और उनकी टीम को हर साल एनुअल इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है हर डिवीजन में, और पूरा सारे रेलवे को 5 साल में कवर करना होता है, उसी के तहत वार्षिक निरीक्षण रखा गया है। उसी तहत यहाँ से हम लोगों ने रेवाड़ी से चालू किया 9:30 बजे, पूरा बीकानेर डिवीज़न का हिस्सा है, बीच में स्टेशनों को देखा, सब जगह व्यवस्था ठीक थी। महाप्रबंधक ने हिसार वासियों को खुशखबरी देते हुए कहा कि लंबे समय से मांग चल रही हिसार से जयपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की फिजिबिलिटी चेक की जा रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और 1 अक्टूबर को दुरंतो आने की उम्मीद है। सर, मुंबई के लिए जो दुरंतो एक्सप्रेस है और इस प्रकार की रेलवे की सुविधाएं बढ़ाने के लिए किस प्रकार का प्रयत्न रहेगा, क्या कोई नया रूट आप लोग प्लान कर रहे हैं? दुरंतो के लिए हमारे CPTM है क्या यहाँ पर? CPTM ने प्लान किया है कि दुरंतो की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, फिजिबिलिटी देख रहे हैं, तो हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा भी है बोर्ड में, तो अगला जब टाइम टेबल के लिए आएगा, तो टाइम टेबल 1 अक्टूबर से ज़्यादातर आते हैं, तो उसमें आने की उम्मीद है दुरंतो की। महाप्रबंधक ने आगे कहा कि हिसार की वॉशिंग यार्ड शिफ्टिंग की उम्मीद नहीं है, मगर हाँ, यहाँ ROB बनाकर इसके नीचे एक्सटेंशन कर इसे 17 कोच की गाड़ियाँ खड़ी करने के लायक बढ़ाया जाएगा। शिफ्टिंग का कोई हमने देखा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हो रही है वहाँ भी 4 गाड़ी हो रही है, यहाँ भी एक ही वॉशिंग लाइन है, तो उसमें यहाँ 2 गाड़ियाँ मेंटेन हो रही है, अगर पूरी बंद करके यहाँ लाएंगे तो यहाँ मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी, तो ये आज निर्णय लिया है, उसको बढ़ाने के लिए देखते हैं। ROB आने की उम्मीद है, ऑलरेडी एक लेवल क्रॉसिंग उस एंड पे है, तो जैसे ROB वहाँ के विधायक भी मिले थे तो वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प करेगी, तो ROB आएगा तो उसके नीचे से उसको एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, तो जो अभी 17 कोच की है लाइन वो वहाँ भी बढ़ जाएगी, यहाँ की भी कायम रहेगी। उन्होंने आगे बताया कि एजुकेशन हब के तौर पर मशहूर कोटा के लिए उन्होंने हिसार से कोटा के लिए रेलवे की शुरुआत कर दी है, अब जल्द मुंबई के दुरंतो और साउथ की डिमांड है, तो वहाँ पे भी गाड़ियाँ प्रस्तावित कर रहे हैं। हिसार कोटा के लिए गाड़ी बता रहे हैं, अभी प्लान की है, आगे ऑलरेडी चालू हो गई है, तो एजुकेशन हब कोटा है, तो वहाँ लोग कोचिंग के लिए जाते हैं। ये बॉम्बे का दुरंतो का एक भेजा है प्रस्ताव,
दुरंतों का प्रस्ताव एक हमारा एक साउथ की यहाँ से डिमांड है, साउथ की जो डिमांड है उसके लिए भी हम गाड़ी प्रपोज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे डिमांड जा रही है हमारी प्रयास है कि और ज्यादा गाड़ी। इस दौरान वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद प्रीतम सैनी ने रेलवे फाटक के पास से तेल डिपो की साफ सफाई का मुद्दा उठाया, साथ ही साथ चार दीवारी बनाने का मुद्दा महाप्रबंधक के सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि क्रांति नगर के लिए रास्ते और फाटक खुलवाने की दिशा में भी महाप्रबंधक कोई ठोस कदम उठाए। ये जानना चाहेंगे आज आपसे मुलाकात की है, क्या मुद्दा आपने उनके सामने रखा, किस प्रकार का आश्वासन आपको मिला? हमारा मुद्दा था एक तो सफाई व्यवस्था का, जो लाइनों के साथ साथ तेल डिपो फाटक के पास कूड़ा करकट बहुत ज्यादा था उसका था, और एक चार दीवारी रेलवे के साथ साथ चार दीवारी किराई जाए ताकि शरारती तत्व जो लूट खसोट करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, वो इसमें ना आ सके। एक हमारा था क्रांति नगर, उसके जगह लेने के लिए रास्ता आने जाने के लिए गली के लिए था क्रांति नगर की, गरीब मजदूर तबका रहता है तो उनके पास रास्ता नहीं आने जाने के लिए, उसकी डिमांड की थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि करवाया जाएगा, तेल फाटक खुलवाने का भी दिया आश्वासन आपके सामने, तो फाटक भी कितनी बार खुलता है खोल लिया जाएगा, पॉसिबल जितना हो खोल लिया जाएगा। ये बताइए कितनी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि आपने चार दीवारी की जो बात की है कितना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारी निगम के अंदर भी। 24/12/2019 को मीटिंग हुई थी, रेलवे अधीक्षक जी गए थे, उन्होंने टाइम मांगा था, अब एक महीने होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस वजह से हमारे को GM साहब से मिलना पड़ा। आज लगातार आप इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं, आज एक नाराज़गी भी उनके चेहरे पर नज़र आई, GM साहब नाराज भी हुए। बताया था मैंने जो बात होगी वो आश्वासन दे आए थे हमारे को, एक महीने तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सफाई की व्यवस्था है, सफाई अभियान चल रहे हैं जिससे निगम को भी और शहर को भी नुकसान ही है। कैमरा पर्सन भारती के साथ अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज।